देखो ठोस के वैसे तो हमने चार प्रकार के पढ़े थे पिछली क्लास में, कौन से, आण्विक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सेंसरिक ठोस। अब हम बात करेंगे कौन दो प्रकार के और होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस देखो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और क्या होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, इसको हम एक टेबल या हम कह सकते हैं इसके अंतर के अकॉर्डिंग से याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले याद करते हैं गुण, सबसे पहले बात करते हैं आकार की। जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है कि निश्चित ज्यामिति के आकार होता है, यानी हम कह सकते हैं इसका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। जबकि अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की तो कैसा होता है, अनिश्चित होता है या अनियमित होता है। तो क्या पता लगा लिया, सबसे पहले आपने पता लगाया क्रिस्टलीय ठोस कौन से ठोस होते हैं जिनका आकार कैसा हो, निश्चित हो, कैसे कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और अनिश्चित हो क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम बात करते हैं दूसरे गुण की, कणों की व्यवस्था करना। देखो कणों की व्यवस्था का क्रम, इनका जो क्रम होता है वो कैसा होता है, नियमित होता है या फिर हम कह सकते हैं कैसी व्यवस्था पाई जाती है, दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। देखो नियमित से मतलब होता है यहां पे जो व्यवस्था होती है कणों की स्थिति होती है वो कैसे होते हैं, एक निश्चित क्रम के अंदर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, कैसे होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित। हो सकता है पिछले लोगों ने पिछला लेक्चर देखा हो सकता है आपने, तो वहां पे काई कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके बीच में रह गया था, उसके बाद में वापस उसी टॉपिक पे आएंगे क्रिस्टल जालक और इकाई कोष्ठिका, उससे पहले पढ़ रहे हैं और अक्रिस्टलीय ठोस। जबकि इसमें कैसे होती है कण स्थिति व्यवस्था क्रम कैसा होता है, इसमें अनिश्चित होता है। और यहां परासी व्यवस्था कैसी होती है, लघु परासी व्यवस्था। या लघु परासी क्रम भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, देखो मैं बताऊंगा आपको यहां पर दीर्घ परासी व्यवस्था कैसे होती है और निश्चित क्रम में क्यों होता है, कैसे होता है। इसके बाद हम बात करते हैं गलनांक की, गलनांक क्या होगा, जिस वह ताप जिस पर हम क्या करते हैं ठोस को द्रव्य अवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। इसका गलनांक कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है और निश्चित होता है, कैसा, निश्चित। देखो समझो तो कैसे, मान लो ये कहता है कि कोई भी धातु 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 120 पर क्या हो जाती है, द्रव्य अवस्था में बदल जाती है, तो वो एग्जैक्ट 120 पर ही क्या होगा, वो किसमें बदलेगी, द्रव्य अवस्था में बदल जाएगी। जबकि अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो इसमें कैसा होता है, अनिश्चित होता है। इसमें क्या होता है, देखो ये थोड़े अलग होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, जैसे आप धीरे धीरे किसी चीज को, मतलब प्लास्टिक है जैसे, उसको आप गर्म करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे पहले तो नरम पड़ता है, सॉफ्ट होता है, उसके बाद में वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो द्रव्य अवस्था में कन्वर्ट होगा। तो हम कह सकते हैं पहले तो किसमें कन्वर्ट होता है, द्रव्य अवस्था में, सॉरी गलता है, या फिर मैं कह देता हूँ गलने लगता है, सॉफ्ट होने लगता है, नरम होने लगता है, और उसके बाद में क्या होता है, मेल्ट होता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ठोस जो क्या करते हैं, हमें ताप देने पर पहले तो नरम पड़ते हैं, उसके बाद में क्या होते हैं, पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जबकि एक फिक्स तापमान के ऊपर ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था बदल जाते हैं, ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अब हम ये बात करते हैं गैसीय का, देखो बेसिकता ये होती है, विषम बेसिकता पाई जाती है किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में,
विषम बेसिस पर कार्बन पाया जाता है, जबकि एक्रिस्टल सॉल्ट में सम बेसिसता का गुण पाया जाता है। अब विषम बेसिसता और सम बेसिसता क्या होती है, देखो हम बात करते हैं विषम बेसिसता की। इसमें पढ़ने की व्यवस्था कैसी होती, नियमित होती है। जैसे मान लो आपने ये ले लिया रेड बोल, रेड ले लिया रेड बोल, फिर ये ब्लैक, ये रेड, ये ब्लैक, ये रेड, ये कैसा हो जाएगा ब्लैक। फिर इसके नीचे आप क्या करोगे, ये ब्लैक, ये रेड, ये ब्लैक, ये रेड, ये ब्लैक, ये रेड। तो आपको एक निश्चित क्रम में अगर आप देखते हो, देखो आप सीधे जा रहे हो, एक के बाद एक क्या हो रहा है, आपको एक सिस्टमेटिक क्या मिल रहा है, आपको कण मिल रहे हैं ब्लैक और रेड। अब आप यहां से देखो, हम बात कर रहे हैं विषम की, आप सभी को पता है क्रिस्टलोस्टोमी व्यवस्था कैसी होती है, नियमित होती है, नियमित क्रम होता है इसका, दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, लंबे ऑर्डर में होते हैं, बहुत लंबी चलती है, आप देख भी पा रहे हो इसमें, तो ये भी आपका पूरा ज्यादा दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है इसमें। फिर हम बात करते हैं इसकी विषम देशिकता की, विषम देशिकता का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जो भौतिक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे देखो, जब आप किस तरह इस दिशा में चलते हो तो क्या होता है आपको, रेड ब्लैक इस प्रकार आपको सिस्टम मिलेगा। फिर आप जब ऐसे चलते हो उसी दिशा में तो आपको देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, यानी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, अलग अलग दिशा में आपको भौतिक गुण कैसे मिलते हैं अलग अलग। और मैंने बताया था भौतिक गुण कौन से होते हैं, जिनको आप आपको से देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जो आपके सामने घटित होता है वो सभी कैसे होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। अब कलर को आप आपको से देख सकते हो, आप बता पाए हो क्या हो रहा है, अलग अलग दिशा में भौतिक गुण भी क्या है, अलग अलग। जबकि विषम देशिकता की बात करते हैं तो क्या होता है, समान अलग अलग दिशाओं में उनके भौतिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे आप बात करते देखो, ये ब्लैक, ये रेड, ये ब्लैक, फिर यहाँ कुछ पता नहीं चलता कि ऐसे अरेंजमेंट है, ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, फिर आप मान लीजिए ब्लैक, ये रेड, ये ब्लैक। अब आप चाहे इस दिशा में जाओ तो आप बता नहीं सकते कि किस प्रकार के सिस्टम में से वो अलग होंगे, सॉरी भौतिक गुण कैसे वैसे होंगे, जैसे इस दिशा में जाओगे वैसे होंगे, यानी किसी भी तरफ जाओ यहाँ पर क्या होता है, अनियमित होता है, अनिश्चित होता है क्या क्रम, इधर की सिक्वेंस नहीं होता कि रेड के बाद ब्लैक क्या आएगा, तो आप बता नहीं सकते कि क्रम कैसा हो। जैसा आपको इस दिशा में भौतिक गुण मिलते हैं वैसे क्या मिलेगा, दूसरी दिशा में भी आपको भौतिक गुण मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं समदेशिकता। आगे बढ़ लेते फिर हमारे बच जाते हैं इसमें एग्जाम्पल और प्रकरण, दो पॉइंट और रह गए इसमें। हम बात करते हैं प्रकृति, देखो कृष्ण ठोस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं आपको, क्या कहलाते हैं, वास्तविक ठोस। जबकि अकृष्ण ठोस क्या कहलाते हैं, आभासी ठोस, या फिर इसको दूसरा नाम हम दूसरा भी बोल सकते हैं, अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव। देखो आप वास्तविक ठोस समझते हो, रियल रियल माइंड में क्या होता है, कैसा होता है, ठोस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस। और अतिशीतित द्रव मतलब आप जो कांच के ग्लास में देखा होगा, जैसे आप कांच के ग्लास को गर्म करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे जाने लगता है, और क्या होता है, आपने कांच के ग्लास को बहुत दिन तक यूज किया हो तो आप देखो कि ऊपर से कांच का ग्लास पतला हो जाता है, नीचे से क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, क्योंकि ठंडा करने पर क्या होता है, वो नीचे गमन करने लगता है, नीचे पर मोटी हो जाती है, ऊपर की क्या रहती है, पतली रहती है। इसके को हम क्या कहते हैं, आभासी ठोस, उनके उदाहरण देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे वास्तविक ठोस है आपके पास NaCl, नमक है आपके पास Na2SO4 है आपके पास, वैसे आप अतिशीतित द्रव या फिर अकृष्ण ठोस की बात करते हो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लास्टिक है। देखो इसका गुण क्या था, उसको जब आप गर्म करते हो तो पहले नरम पड़ता है, उसके बाद में किस्म बदल जाता है द्रव्यवस्था में, तो आप प्लास्टिक को गर्म कीजिए वो धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो नरम पड़ेगा, उसके बाद में किस्म कन्वर्ट होगा द्रव अवस्था में। वैसे आप ले सकते हो कांच, आप ले सकते हो
आप गर्म करोगे तो पहले नरम पड़ेंगे, उसके बाद में क्या होगा, नहीं ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, द्रव्य अवस्था में। ये थे हमारे क्रिस्टलीय ठोस और अकृष्णीय ठोस में अंतर, और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अकृष्णीय ठोस क्या होते हैं। अब हम वापस हमारे टॉपिक पे चलते हैं, इकाई कोष्ठिका या जालक तंत्र। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलीय जालक की और इकाई कोष्ठिका की, जो कि हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ा भी था, उसको ही कंटिन्यू करते हैं। क्रिस्टल जालक और इकाई कोष्ठिका। देखो क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक क्या होता है, इकाई कोष्ठिका की पुनरावृत्ति के बाद बनने वाली त्रिविमीय व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। जैसे आप एक काम करो, एक बॉक्स ले लो आप, आप क्या करो, एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स लगा दो, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, तो आप क्या कहोगे, ये तो छोटा वाला बॉक्स है, ये तो क्या है हमारा इकाई कोष्ठिका। पिछली क्लास में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, डायग्राम दिखा के। यदि आप समझो कि जो आपका मकान है वो क्या किससे मिलकर बना होता है, ईंटों से मिलकर बना होता है, आपको 3D रूप में दिखाई देता है, वो त्रिविमीय व्यवस्था दिखाई देती है उसकी, ईंट उसकी क्या है, इकाई कोष्ठिका। और जो पूरा मकान होता है वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक। वो यहाँ क्या होता है, उसमें भी वैसा ही, बाकी जो बने गए हैं उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक। अभी जितने भी पॉइंट होते हैं, हम बात कर रहे हैं इकाई कोष्ठिका के गुण की, ये जितने भी पॉइंट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जालक बिंदु। और ये जालक बिंदु किसको प्रदर्शित करते हैं, कोई परमाणु हो सकता है, कोई अणु हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जालक बिंदु, अणु परमाणु और आयन को प्रदर्शित करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इनको हम क्या करते हैं, जालक बिंदु को किससे मिला देते हैं, सीधी रेखा से मिलकर बना देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाती है, इकाई कोष्ठिका। और जिसकी पुनरावृत्ति करके हम त्रिविमीय व्यवस्था प्राप्त करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। जैसे अगर आप बात करो क्रिस्टल जालक की, अब यहां पे आप क्या देखोगे, आप देखोगे ये छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे बॉक्स की यहां पे पुनरावृत्ति होगी, क्या बनाए, बड़ा बॉक्स बनाए, तो छोटा बॉक्स क्या कहलाता है, इकाई कोष्ठिका। बड़ा बॉक्स क्या कहलाता है, आपका क्रिस्टल जालक। अब हम प्रकार की बात करते हैं कि इकाई कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है। अब देखो हमने इसी गुण, क्रिस्टल जालक क्या होता है, ओपन ले, इकाई कोष्ठिका क्या होती है, ओपन ले, ओपन ले, जालक बिंदु होते हैं, परमाणु अणु और आयन को प्रदर्शित करते हैं, सीधी रेखा से मिला के ज्यामिति प्राप्त होती है। ये सभी गुण किससे पढ़ लिए, इकाई कोष्ठिका के। अब हम बात करते हैं इकाई कोष्ठिका के, इकाई कोष्ठिका या एकल कोष्ठिका। एकल कोष्ठिका होती है वो क्या होता है, दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है इकाई कोष्ठिका, एक तो होती है आपके आद्य एकल कोष्ठिका या मूल एकल कोष्ठिका, क्या बोलते हैं उसको, आद्य एकल कोष्ठिका। और दूसरी क्या होती है, केंद्रीय एकल कोष्ठिका। अब देखो इसको समझेंगे, आज की एकल कोष्ठिका क्या होती है और केंद्रीय एकल कोष्ठिका क्या होती है, या केंद्रीय एकल कोष्ठिका क्या होती है। इसमें आप देखोगे जो परमाणु आपके होते हैं वो सारे कहां उपस्थित होते हैं, कोणों पर। जैसे डायग्राम से समझो आप, ये आपकी पॉइंट है, तो देखो परमाणु आप उपस्थित हैं कोणों पर, इसमें कोने कितने, आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किस पर कोने कितने,
ये तीन प्रकार की होती है मोस्टली, कौन कौन सी होगी? पहली हम बात करते हैं तो काय कैंड्रिक एकक कोशिका, क्या कैंड्रिक कर लेना ठीक है, और यहां पे फलक कैंड्रिक और अंत कैंड्रिक, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एफ सी, सॉरी बी सी सी, इसको लिखते हैं एफ सी सी, इसको लिखते हैं एस सी ठीक है, और इसको लिखते हैं एस सी सी। अब काय कैंड्रिक एकक कोशिका कौन सी होती है वो देखिए, इसमें कोनों पर तो स्थित होते ही होते हैं, ऐसे को होगा देखो, ये बोल है आपकी, तो आधी बोल
अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।